मेरा जॉर्नल अंकल, तो अंकल का टी जैसे मैंने बताया बहुत ही फेमस है। तो अंकल आप कितने दिन से यहाँ पर है? मोर दुकान मोटा मोटी 52 इयर्स। 52 इयर्स। और आपका एज कितना है अभी? 67। बहुत फेमस है आपकी शॉप। बहुत टेस्ट है अंकल का स्माइल भी, बहुत टेस्ट है इनका टी भी, बहुत टेस्ट है। ये उम्र बहुत ज्यादा हो गया मेरा, लेकिन टी का जो ये है अभी भी टेस्ट है उसका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा और अन्य ब्लॉग पर। आज जा रहा हूँ मैं लक्कीगंज, मैं और मोह कुछ काम से दी गई घर पे, मैं आपको दिखाऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए इस वीडियो का हम करते हैं शुरू। नाउ वी आर रेडी विद स्कूटी, हम चल रहे हैं स्कूटी से। वेल मार्केट पे आ गए, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भूल गए थे, अगर आ गया तो फ्रूट्स लेना भूल गया था, तो अंकल के यहाँ हम फ्रूट्स ले रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं ब्लासीपरा से गुजर रहा हूँ और इसका वीडियो आपको ना दिखाऊँ ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा ब्लासीपरा है और मुझे ये पसंद है बार बार आपको दिखाना। सो आई लव ब्लासीपरा एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, इट्स अ वेरी पीसफुल टाउन। और इधर जियन का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ ORS, क्योंकि उसको ORS पीना बहुत पसंद है। नैण लगियां बारिशां, सुखे सुखे सपने भी भिज गए। नैण लगियां बारिशां, रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता यार। दीदी के यहाँ आ गए, इनका देखो पूरा पानी सामने, क्योंकि बारिश गिर रहा था दो दिन से। तभी हम ट्राई करेंगे स्कूटी से जाने के लिए, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं गिर भी सकते हैं। चल चलते हैं, पहला ही नहीं दीवार। ইমান পানী চলে আছো, চলে আছো পানী দি। ये आया मैं खेल रहा है मोबाइल के साथ। जियान देखो उल्टा खेल रहे हैं मोबाइल से। हाय, इतना गेम क्यों खेल रहे हैं? वहाँ क्या खेल रहे हो, दिखाओ तो थोड़ा, दिखाओ दिखाओ। अरे बाबे, ये क्या खेल रहे हैं, दिखाओ। क्या ना गेम का नाम क्या है? क्या बात है, बहुत बड़ा है। हाय, एक बार हाय बोल दो। हाय, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बोलो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी हम आए हैं लक्कीगंज में, ये फेमस टी स्टॉल है, जवाहरलाल अंकल का टी स्टॉल है। ये वेरी फेमस है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो चाय बनता है ना, मलाई चाय, इट्स वेरी टेस्टी। तो अभी हम उस टी को टेस्ट करेंगे एंड विल एक्सप्लोर इट विद यू। गुड टेस्ट द टी एंड एक्सप्लोर इट विद यू।
चीज तो काफी छोटा है लेकिन इसका लिट्टी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अगर आप भी आना चाहते हैं लकीगंज मार्केट पे आइए, जवाहरलाल अंकल का की शॉप बोलिए, हॉस्पिटल जो है इसमें उसके ठीक सामने ही है ये स्टॉल। तो ये जवाहरलाल अंकल का टी, इसको टेस्ट करते हैं हम। मलाई मार के, दैट्स मलाई मार के, इसमें ऊपर आपको मलाई भी मिलेगा। काफ़ी टेस्टी है ये, थ्रू आउट द रीजन, थ्रू आउट द प्लेस दिस इज़ फेमस एंड एवरीबॉडी। अगर कोई लकीगंज में आता है तो इसमें सिप करके ही जाते हैं यहाँ पे जवाहरलाल अंकल के शॉप पे। इसका लोकेशन जो है लकीगंज का जो हॉस्पिटल है ठीक उसका ऑपोजिट साइड में ही है। तो आई थिंक शी इज़ हैविंग फर्स्ट टाइम टुडे। आज पहले खाया था ना, সিংরা খাইছো মতলব সমোসা, ইয়াতে আহি মই খোৱা নাই, লৈ গৈছিল মোৰ কাৰণে। ইয়াৰ সমোসাটো বহুত স্পেচিয়েল হয়, মানে দেখাত সমোসা আৰু খাবলৈ পেটিচ না, একদম পেটিচ টাইপ সমোসা। আজি আমাৰ পেট ভৰা আছে, চ' খোৱা নাই, খালি আপোনালোকক দেখাব পালোঁ হয়। আমি বাইটিৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, চ' বাইটিৰ ঘৰত হেভি খাই আহিলোঁ, চ' সেইকাৰণে খালি টি টো খাই বহুত ভাল লাগিল, একদম মলাই মাছে। আৰু ইয়াতে লোৱা হৈছে কিবিলাক পোহা, ফ্ৰাই পোহা, নমকিন ফ্ৰাই পোহা, এইটোৱে এনে যাব পেট ভৰাই আছে। বগা চা বোলে হৈ গ'ল এতিয়া, तो उसमें अभी जाएंगे एक्स्ट्रा मलाई। रेडी तो सी यहाँ पे है वो मतलब मिल्क एंड यहाँ पे चाय बन रहा है और मलाई एक्स्ट्रा से है। तो आपको पहले मिल्क डालेंगे कप पे, उसके बाद जाएंगे चाय एंड उसके बाद जाएंगे मलाई। और ये मलाई मतलब मिल्क का खासियत ये है, रबड़ी टाइप है, ये रबड़ी टाइप है। पूरा दूध को यहाँ पे उबाल के पूरा गाढ़ा करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे जवाहरलाल अंकल। तो अंकल का टी जैसे मैंने बताया बहुत ही फेमस है। तो अंकल आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? मोर दुकान मोटा मोटी 52 इयर्स। और आपका एज कितना है अभी? 67। बहुत फेमस है आपकी शॉप, बहुत टेस्ट है अंकल का स्माइल भी, बहुत टेस्ट है इनका टी भी, बहुत टेस्ट है। ये उम्र बहुत ज्यादा हो गया मेरा, लेकिन टी का जो ये है अभी भी टेस्ट है उसका। तो अंकल आप आइए इस स्टॉल पे, अंकल के चाय को टेस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रथम 10 पैसे था, पहले जो चाय था वो 10 पैसे था, उसके बाद 25 पैसा, फिर 30 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, ऐसे ऐसे 10 रुपया हो गया। अभी 10 रुपया हो गया है। तो ये अंकल 10 पैसे से स्टार्ट किया, अभी 10 रुपीज है, सी 50 इयर्स। चलो अंकल बाय। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर घूमघाम के, और अभी तक मैंने वो नहीं बताया कि जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ खुशखबरी है हम सबके लिए, आपके लिए। तो अभी मैं उसको रिवील करने जा रहा हूँ, तो जस्ट अंदर जाके मैं आपको बोल रहा हूँ। आज से रात को हम पार्टी करने वाले हैं, ये इसमें सामान है पार्टी करने का, तो इसके अंदर क्या है मैं अभी नहीं बोलूंगा, बाद में आपको बोलूंगा। ओके आओ मेरे कजिन और कजिन्स वाइफ अंजू मोइन,
वाह खाना भी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। अनबॉक्सिंग ये ना तो आओ तो ये चेक कैसे कर रहे तो अंदर आओ आ जाओ अंदर आ जाओ। सो आज ये दिन तो खाई खाई है गो हमारे तो मैं मतलब कजिन है बड़े कजिन के घर में आइसक्रीम फेवरेट फिंगो मजे लाल और रेड वेलवेट अनबॉक्सिंग कर दिया इबले कर आरो आरो আছে হেগ বানাই वाओ माय बेबी समोसा चामुसो दे ना कौन दुकान से किनचो तुम्हारा चामुस वेल फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं रात के 11 बजे और कजिन चले गए हैं घर एंड अभी हम फ्री हो गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो आपको बताया था कि कुछ गुड न्यूज़ है आपको आपके साथ शेयर करना है तो सॉरी उस वीडियो में आपको बता नहीं पाया, लेकिन इस बार इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं और ये है कि एसी ब्लॉगिंग चैनल फाइनली हो चुका है मोनेटाइज एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अपने टाइम निकाल के हमारे चैनल पे आए, वॉच किया, अपने अपना कीमती टाइम दिया, तो इसके लिए अ वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और इसके साथ आप हमें सपोर्ट करते रहे, कीप सपोर्टिंग, कीप अस लविंग एंड ए वेरी वेरी अगेन थैंक यू ऑल फॉर योर लव। और इनको हम सपोर्ट कर ठीक हो अपनार सपोर्टे आमार मोटिवेट करे आमाक आरो आखा करो आगोलै एनेकुआ मरम दिबो आपनलके आरो आमाक आरो आगोलै जाबोलै हेल्प करिबो। सो बिग 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 थैंक यू। और फ्रेंड्स मेरे चैनल मोनेटाइज होने के पीछे ये नहीं कि एक दो दिन में मोनेटाइज हो चुका है, काफ़ी हार्डवर्क था इसके पीछे, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी एनर्जी लगा। एनर्जी इन द सेंस वीडियो करना इट्स वेरी इजी, बट एडिट करना इट्स वेरी टफ। आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो एडिट करते हैं उसको पता चलता है कि एडिट करना बहुत ही टफ वर्क है। आपके आंखों का प्रेशर और रात अब तो रात में जाके एडिट करना पड़ता है, मतलब नींद पूरा नहीं हो पाता है, बहुत हार्ड वर्क है। तो इसको लेके मैं और एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि मोनेटाइज कैसे हुआ, कितना वीडियो मुझे बनाना पड़ा और एडिट कैसे करता हूँ, कहाँ पर करता हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सो आज के लिए इस वीडियो को करते यही पे एंड। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल एंड वंस अगेन थैंक यू एंड लव यू ऑल। सो बाय बाय।